दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं YouTube चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय बहुत अच्छे समाज सेवी जिन्होंने जनपद जालौन में नहीं अन्य जिलों में अपना तहलका मचा रखा है सोशल वर्क के माध्यम से। शायद हमारा पूरा जनपद जालौन जानता है जो जगनेवा के रहने वाले हैं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आज हमारे बीच में हैं। सर जी से हम आपकी बात कराते हैं। तो सर जी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय। पहला क्वेश्चन सर जी आपसे हमारा है कि हमने ये भी सुना है कि आपने सबसे पहले अपनी राजनीति से शुरुआत की है। मानवर साहब के साथ में आपने मीटिंग भी की है, गांव-गांव चल के आपने काम भी किया है, तो इसके बारे में हमें पता चला, तो हम आपके पास आकर के अपने प्रश्नों का जवाब आपसे लेना चाहते हैं। जी, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी जो मुलाकात मानवर साहब से हुई वो कैसे हुई और कहाँ हुई? मानवर साहब जी हमारे ग्राम भदुआ में, जो हमारे गांव के करीब पड़ता है, वहाँ पर बहन जी को लेकर आए थे। वहाँ एक मीटिंग गठित की, समाज के प्रभावशाली समझदार लोग एकत्रित हुए जी। वहाँ पर उनकी विचारधारा रखी गई, उनने अपनी रखी, उस पर उस समय हमारा उम्र का तकाजा करीब करीब हमारा 18-20 के लगभग था जी, जी, जी। तो शिक्षा दीक्षा अपनी हम कर ले रहे थे, लेकिन लगन हमारी उनके विचारधाराओं से जुड़ गई। हम उनके साथ में लग लिए और गांव-गांव प्रचार करते, पैदल चलते रहे, साइकिल से चलते रहे। सर्दियों में कहीं हुई मीटिंग तो कहीं जगह नहीं मिली, तो कहीं इस सरकारी कोठी पर लेट गए, कभी उसके लेट गए, किसी ने खिला दिया खाना तो ठीक है, ऐसे गया। मान लो जो समझदार किस्म के थे वो खाना पीना भी खिला देते थे। अच्छा, अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा आई है महापुरुषों की, तो शायद उन्हीं को देख करके आई आपके अंदर? जी हाँ, उनके इतिहास को जब मैंने पढ़ा और पढ़ करके जब इतना सोचा और समझा, तो जैसे बाबा साहब ने अपने समाज के लोगों को आगे ऊपर बढ़ाने में, उनका उत्थान करने में लगन रही, इसी प्रकार से हमारी लगन उस तरफ दौड़ गई। और हमारे उस समय हम BTC कर रहे थे, तो हमने उसको भी छोड़ दिया, ऐसी लगन रही। नौकरी की ओर फिर हमने ध्यान नहीं दिया कि अपने समाज के लोगों को कुछ न कुछ करके दिखाएंगे और समझाएंगे, तो हमारी बातों का असर समाज में हुआ, लोगों पर। लेकिन जब से ये TV वगैरह और ये मोबाइल का सिस्टम जो गया है, इसमें तो लोग उन विचारों को सुनने में सक्षम नहीं दिखाई दिए। मतलब बाबा साहब के वो विचार आपके अंदर आए हैं, किसी ने लिखा है कि ए शान ए शौकत ए ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता, खुशियां ना मिलती हमें इस वतन में यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो हमने उस पर गीत लिखा है जी। बाबा साहब के लोगों को देखिए, शिक्षित बन करके उनके विचारधारा चल के बाबा साहब ने जब गांधी जी को, नेहरू जी को और मालवीय जी, ये सारे आए, वहाँ कॉन्फ्रेंस की गई, तो गांधी जी बोले कि अंग्रेजों ने जब पूछा कि बाबा साहब क्यों नहीं आए, कई वो झूठ मूठ गांधी ने कह दी, बिगड़ा उनका स्वास्थ्य, भीम बाबा संग आए ना आए। तो स्वा बाबा साहब पहले पहुँच चुके थे, तो जब उनने अपना उनसे एग्रीमेंट लिखा गया कि हम संविधान लिखेंगे, तो बाबा साहब ने संविधान लिखा जिसमें 308 धाराएँ, 8 अनुसूचियाँ और 9 अनुच्छेद, इस प्रकार से। तो हमारे विचार उठे, तो हमारे बातों में आया, तो हमने लोगों को अपने मंच के माध्यम से समझाया, कहा। एक मुंबई वालों की तर्ज आई है, उस तर्ज में बम्बई फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा है, उसको हमने समझा, फिर उस पर हमने बाबा साहब को समझे। मंच के माध्यम से
आपने जो समाज सेवा का काम किया है, लोग बागों को जगाया है, तो जो बात हमसे कह रहे हो क्या स्टेज पे आपने रखी इस बात को? जी हाँ, तो हमने फिर रखा अपने लोगों के बीच में। एक फिल्मी दुनिया का गीत आया है, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये बम्बई वालों की बात आई जी, वो भारती जी की बात आई कि मेरे बाबा भीम विद्वान बना गए भारत का संविधान, दे गए हके को समान। मेरे बाबा भीम विद्वान बना गए भारत का संविधान, दे गए हके को समान। मेरे सबको अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया, नहीं भेदभाव किया। सबको अधिकार दिया, नहीं भेदभाव किया। खुद प्यासे रहे बाबा हमें पानी पिला दिया, खुद भूखे रहे बाबा हमें भोजन खिला दिया। भोजन के खातिर कर दिए अब बच्चे भी कुर्बान, दे गए हके को समान। मेरे बाबा भीम विद्वान बना गए भारत का संविधान, दे गए हके को समान। तेरे मिशन को बाबा हम अब आगे बढ़ाएंगे, जो कदम बढ़ा आगे हम पीछे न हटाएंगे। तेरे नाम से मिल रहा, बाबा के नाम से मिल रहा अब भारती को सम्मान, दे गए हके को समान। मेरे बाबा भीम विद्वान बना गए भारत का संविधान, दे गए हके को समान। भारती जी, किसी ने हकीकत में लिखा है कि ये रुतबा मेरे सर पर तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। अरे लोगों को सम्मान मिला होगा मुकद्दर से, हमें मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला होगा। तो बाबा साहब के जज्बा और जुनून में बहुत ताकत थी कि हम और आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। शायद अपनी पीढ़ियों ने, बुजुर्गों ने जो कष्ट झेले हैं वो हमारा आपको नहीं देखने पड़े। जहाँ बाबा साहब को बैठा ला जाता था, जहाँ चप्पल जूता उतारते थे लोग, उस जगह पे बैठाने का काम किया। लेकिन उन्होंने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस जगह पे मैं अपनी पीढ़ियों को नहीं बैठने दूंगा। तो सर जी, आपने ड्रामा के माध्यम से लोगों को और क्या क्या जानकारियाँ दी? फिर जब बाबा साहब के इस मिशन को आगे ले जाने में मानवर साहब ने अपनी सब कुर्बानियाँ दे दी जी, और समाज को अपने को चेताने के लिए सारे हिंदुस्तान में अपना दौरा करते रहे, हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, उनके अधूरे काम को मानवर जी ने आगे बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया कि बहन जी जब जाते समय तो ये बागडोर सब बहन जी को सौंप गए, तो बहन जी ने, बहन मायावती ने भी अपना सर्वस्व निछावर करके अपने समाज के लोगों के लिए सब कुछ किया। इसमें भी एक हमने अपनी माँ बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए कहा, एक तर्ज में फिर उन्होंने लिखा था, अभी एक गीत बना था जी, कि एक मियाँ बीबी में बहस होने लगी। इस प्रकार से हमने टॉपिक लिया कि मियाँ बीबी में, तो उनकी घरवाली एक दिन उनसे बोली कि सैया तुम्हें अमाओ को ले दिखलाए दे हमें सिनेमा। ये तर्ज है, तर्ज है जी। तो हमने कहा कि सिनेमा न देखो, आज मानवर संसार से जुदा हो गए, हमसे चुने गए, कारोबार हमारी बहन मायावती को सौंप गए हैं, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों इन विचारों में आप जुड़े तो हैं, लेकर और लगन से जुड़ जाइए। तो हमने कहा
बहना बन गई कांसी राम बढ़ाई दई शान बहुजन की क्या बात है। माया बनी है कांसी राम बढ़ाई दई शान बहुजन की। देश विदेश में जाती दलितों को गले लगाती ऐसी करती फिरे तूफान बढ़ाई दई शान बहुजन की। समतावादी भवन बनाया सबको हक अधिकार दिलाया महापुरुषों का किया सम्मान बढ़ाई दई शान बहुजन की। बहन मायावती ने एक विशेष काम करके दिखाया गुंडागर्दी का राज मिटाया राजा भैया को जेल पठाया पोता लगे सबई हैरान बढ़ाई गई शान बहुजन की। तो इस प्रकार से बिल्कुल सर जी बिल्कुल सही कहा भारती जी आपने। किसी ने लिखा है जहां पीने को पानी नहीं था अब घर घर में पानी है, जहां रहने को झोपड़ी नहीं थी अब महलों में जिंदगानी है, जहां खाने को रोटी नहीं थी अब घर घर में बिरयानी है। ये करिश्मा 33 करोड़ देवताओं का नहीं मेरे बाबा की मेहरबानी, बाबा साहब की मेहरबानी। तो सर जी आपके बीच में जो चर्चा हो रही है मानवर साहब बाबा साहब की अपने महापुरुषों की हकीकत में बलिदान दिया है अपने महापुरुषों ने तब हमको आपको ये दिन देखने को मिल रही है। आप मेरे बीच में आए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसलिए नवो बुद्धा जय भीम।